वाचन लेखन का कोना। इस फिल्म में 4 से 6 साल के बच्चों का मिश्रित गुट वाचन लेखन के कोने में काम करते हुए दिखाई देगा। ये फिल्म देखते वक्त कुछ बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। किताबें और लेखन का सामान किस तरह से रचा गया है ये देखिए। बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग में कैसे पढ़ते हैं, दीदी कैसे निर्देश देती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। बच्चों का कहना दीदी कैसे सुनती है ये देखिए। मुक्त खेल वाचन लेखन का कोना। तो अब हम वाचन के कोने में किताबें पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर कागज रखे हैं, तो किताबें पढ़ने के बाद तुम्हें सुंदर से कहानी लिखनी है और बाद में तुम्हें स्मिता दीदी को पढ़कर सुनाना है। ये देखो, वाचन लेखन कोने में बच्चे वाचन और लेखन से जुड़ी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखन समृद्ध परिसर का ये बहुत ही अहम घटक है। आलू बजा से आलू बज से बजाते हैं शब टप 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 और ऐसे मेरे हाथ उठा दे है और फिर अलग अलग क्षमता वाले बच्चे वाचन लेखन कोने में आसानी से किताबों का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। बंदर कैसा दिखता है तुम्हें, देखो तो। बंदर की कुछ बच्चे ठीक तरह से किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को अभी भी लिखित भाषा का ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसे बच्चे कभी कभी जो कहानी उन्हें पता है वो आगे नहीं बढ़ रही, ये ध्यान में आते ही किताब खुद ही सीधी कर लेते हैं। क्या कहा तुमने, मतलब ये कौन सी दुकान है? हाँ, बर्तनों की दुकान है। वाचन और लेखन कौशल एक साथ ही विकसित होते हैं। कई बार पढ़ने के बाद बच्चों को लिखने की इच्छा होती है। कुछ बच्चों को वाचन में ज्यादा रुचि होती है तो कुछ को लेखन में। तुम मुझे अपनी कहानी बताओ तो। उठते उठते पेट पर जा बैठा तो उसे पाक की आवाज सुनाई दी। फिर उड़ गया तोता तो उसे मोर नाचते हुए दिखाई दिया। तो एक बंदर दौड़ते हुए आया तो पहला तोता उसे पेड़ पर चला गया और फिर तीसरा तोता आया तो बोला तोता तोता बोला मीठू 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 और पेड़ पर चला गया। ये फिल्म देखकर हमने ये बातें सीखी। दूसरों को देखकर और खुद बार बार किताबों का इस्तेमाल करने से बच्चे लिखित भाषा की विशेषताएं सीखते हैं। बच्चों के साथ बात करते वक्त वाचन लेखन से जुड़े शब्दों का प्रयोग दीदी को हमेशा योग्य तरह से करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अपनी कहानी मुझे बताओ ऐसा कहने के बजाय अपनी कहानी मुझे पढ़कर सुनाओ ऐसा कहें। अच्छे दर्जे की किताबें बच्चों की कल्पना को उत्तेजित करती हैं और उसकी वजह से बच्चे और कल्पनात्मक लिखने लगते हैं।